तो आज दी इस वीडियो में आप प्लाजो की कटाई किस तरह की जाती है बहुत ही सिंपल तरीके सीखेंगे। प्लाजो की लंबाई मैंने 37 इंच ली है, मोरी हमारी 7 इंच है, पट हमने 13.5 इंच लिया हुआ है, चौड़ी हमारी जो 12 इंच है। प्लाजो की कटाई करने के लिए हमें दो फट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमने गुलाई वाली फट्टी ली हुई है और एक सीधी सिंपल फट्टी ली हुई है। और मैंने कपड़े को दूरा बिछा कर फोल्ड कर कर रख लिया है। सबसे पहले हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 2 इंच हमारा, मैं इलास्टिक वाला प्लाजो तैयार करने जा रहा हूँ। ये हमने इलास्टिक के फोल्डिंग के लिए 2 इंच रखा है, 2 इंच का निशान लगाकर उसको सीधी फट्टी से सीधा कर लिया है। उसके बाद हम प्लाजो की लंबाई देखेंगे, लंबाई हमारी 37 इंच है। उसके बाद 2 इंच छोड़ने के बाद हमने 37 इंच लंबाई लेंगे, जहाँ पर हमारी लंबाई 37 इंच बनेगी वहाँ पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम एक और निशान लगा लेंगे। उसके बाद फट्टी की सहायता से इसे सीधा कर देंगे। उसके बाद हम नीचे 2 इंच हमारा जो मोरी का निशान है पोंचा फोल्डिंग के लिए है उसको छोड़ा है। ये 2 भी हो सकता है, 2.5 भी रख सकते हैं, 1.5 भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है आपने कितना पोंचा नीचे फोल्ड करना है। ऊपर हमारा इलास्टिक फोल्डिंग के लिए 2 इंच रखा है। उसके बाद हम चौड़ी लेंगे, चौड़ी हमारी 12 इंच है। ये निशान हम ऊपर से 12 इंच पर चौड़ी का लगाएंगे, 12 इंच है। हम मैंने आधा इंच ऊपर कटाई डाली हुई है, इसलिए मैंने इसको 12.5 इंच लिया हुआ है। चौड़ी हमारी 12 इंच थी, आधा इंच कटाई डालने के लिए इसको 12.5 इंच लिया है। इसको भी फट्टी की सहायता से सीधा कर देंगे। उसके बाद हम पट देखेंगे, हमारा पट कितना है। थाई हमारा 13.5 इंच है। जितना हमारा थाई आया है हमने उतना ही निशान लगाना है। कन्नी को मैंने बाहर निकाल दिया है, कन्नी का निशान लगाया है, 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 इंच हमारा जड़ा है वो हमारा गुलाई वाला होगा, चौड़ी की गुलाई होगी। इसके बाद ऐसे ही नीचे एक और 13.5 इंच का निशान लगा देंगे। ऐसे ही हमने इस पर भी 2 इंच गुलाई वाला निशान लगाया है। इसको भी फट्टी की सतह से सीधा कर देंगे। ये गुलाई डाल देंगे हम चोली की जो 2 इंच हमने छोड़ी है। ये देखिए हमारा जो 12 इंच हमने चोली रखी थी वहाँ पर निशान लगा लेंगे। और जो आधा इंच ऊपर आया है वो हमारा गुलाई हमने कार्ड डाली है ऊपर, ताकि पेट को पेट पर किसी प्रकार की दिक्कत ना आए जब हम प्लाजो पहनेंगे, सिंपल वधिया सीधा आएगा। उसके बाद हमने जो थाई हमारा जो था, पट हमारा 13.5 इंच था, मैंने उसका आधा कर लिया है। उसका आधा जो 7.25 इंच आया है मैंने 7.25 इंच पर निशान लगा लिया है। ऐसे ही मैंने आगे आगे भी निशान लगाया है। ये हमारे पोंचे की कटाई के लिए है, ये हमने इसका अदा किया है। ऐसा करने से प्लाजो की बहुत बढ़िया तरीके से कटाई होगी, किसी प्रकार का वल या झोल नहीं पड़ेगा और इस्त्री भी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। मैंने ऐसे 7.25 इंच का तीनों जगह निशान लगा लिया है और इसको फट्टी की सहायता से सीधा कर दिया है। हमारा जो मोरी का निशान लगेगा वो इसके सहायता से लगेगा। थाई को हमने आधा कर कर ये निशान लगाया है। मोरी हमारी है 7 इंच, 7 इंच हमने मोरी का निशान लगाना है। जितनी हमारी मोरी है हमने उतना ही निशान लगाना है। 7 इंच ले लिया है और उसको आधा कर दिया है। आधा करने से ये 3.5 इंच आया है। हमने जो बिचाले निशान लगाया था वहाँ पर 3.5 इंच पर लगा देना है, और 7 इंच पर एक स्टार्टिंग से निशान लगाना है और एक 7 इंच है हमारा मोरी जो, उस पर निशान लगा देना है। दोनों निशान लगाने के बाद फट्टी की सहायता से इनको सीधा कर देना है। ये निशान हमने जो हमारा थाई आया था उसका आधा कर कर लगाया है। 7.5 इंच हमारा ये मोरी तैयार हो गई है। ऐसे हमने इसको सीधा कर देना है फट्टी की सहायता से, जो निशान लगाया हमने 7 इंच पर, 3.5 3.5 इंच दोनों साइड पर हो गया है। उसके बाद हमें गुलाई वाली फट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। गुलाई वाली फट्टी को जो हमने 13.5 इंच अपना पट लिया था वहाँ पर रखना है और एक मुरी का निशान लगाया था वहाँ पर रखना है।
ऐसे इसको गलाई डाल देनी है, ऐसे ही हमने पीछे गलाई डालनी है। कई क्या करते हैं कि ऐसे ही मतलब गलाई इसकी डाल देते हैं, लेकिन मैंने ये गलाई इसको और भी बढ़िया तरीके से डाली है। ये देखिए ये गलाई वहाँ पर निकल जाएगी। मैंने इसको जो हमने और डूंगी थोड़ी और गलाई डाली है ताकि इसमें किसी प्रकार का चोल ना पड़े, ऊपर से लेकर और सीधा इसको सीधा कर दिया है। ये देखिए इसमें किसी प्रकार का वह चोल नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे। दोस्तों इस तरह की मैंने और भी बहुत सारी वीडियो बनाई है। जेकर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ये हमारे दो हिस्सों की कटाई हमने एक साथ कर ली है। ऐसा कटाई करने से प्लाजो को सिलाई में और इस्त्री करने में और पहनने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इस ट्रिक को फॉलो कर आप इसकी कटाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो हमारा पीछे वाला हमने गलाई डाली थी उसको कटाई नहीं करनी है, इसकी कटाई हम दूसरे हिस्से के साथ ही करेंगे। ऐसे हिस्से को दूसरे को बिछे रहने देना है और हमने जो एक हिस्सा काटा है कटाई की है ऐसे इसको उसके ऊपर चिपका देना है, बिछा देना है। ये आगे से 3 इंच का गैप छोड़कर हमने इसको बिछाना है। ये देखिए मैंने आगे से 3 इंच छोड़ा है, 3 इंच छोड़कर आप इसको बिछा सकते हैं। उसके बाद हमने जो भी हमारे निशान थे हम उनको सीधा कर लेंगे। ये हमारा मोरी का निशान हो गया और ये हमारा चोली जड़ा चोली का जहाँ थाई का निशान आया है और हम एक नी का निशान लगाएंगे, बेचारे गोडो का निशान होता है उसको भी लगाया है। सबसे पहले हम मोरी से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और नी का भी हमारा 1.5 इंच का निशान होगा। थाई पर हमने 2 इंच का निशान लगाना है, 2 सवा 2, और हमारी चोली की जो काट आएगी उस भी हमें 2 इंच का निशान लगाना है। इन सभी निशानों को फिर फट्टी की सहायता से सीधा कर देना है। ये देखिए ऐसे हमने मोरी का निशान सीधा कर देना है। मैंने ये जो चोली की गलाई है वो और 1/2 इंच डूंगी कर कर डाली है। ऐसा करने से हम हमारे पिछली साइड में किसी प्रकार का वाल नहीं पड़ेगा और हमारी चोली भी जड़ी बढ़िया हो जाएगी, जो पीछे से मतलब उठेगी नहीं चोली हमारी ऐसा करने से, 1/2 इंच का निशान लगाएंगे तो। ये इसके बाद गलाई वाली फटी के साथ गलाई डाल दी है। मैंने पिछले हिस्से में 1.5 इंच का बढ़ाकर कटाई की है ताको बैठते समय एक किसी प्रकार का उठे ना, जो हमारा पीछे वाला हिस्सा केवर होता है जो बैठने समय वो नीचे खिसक जाता है, ऐसे हम इसके बढ़ाकर कटाई करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 1.5 इंच मैंने बढ़ाकर कटाई की है, ये 1.5 का जब सिलाई करते समय 2.5 बन जाएगा। ये हमने जो निशान जितनी जितनी कटाई की है उतना उतना मैंने लिख दिया है, 1.5 है वो 2 है। इसके बाद हम इसकी कटाई करेंगे। ये 1/2 इंच हमने नीचे छोड़ा है, ऐसे ही कटाई करेंगे। एक बार आप इस ट्रिक को फॉलो कर कर देखना कितना बढ़िया तरीके से कटाई होती है, किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं पड़ता इसमें, ना इस्त्री का, पहनने में भी बहुत बढ़िया लगेगा, बढ़िया तरीके से इसकी सिलाई होगी। अब हम पिछले दोनों हिस्सों को एक साथ कटाई करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये हमारी प्लाजो की कटाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमने जेकर पॉकेट लगाने का इरादा है तो पॉकेट की मैं बता दूंगा आपको कितना कितना छोड़कर लगाना है। मैंने एक पजामे की वीडियो है जो बनाई हुई है पूरे फुल पजामे की स्टिचिंग की, उसमें मैंने पॉकेट को बताया भी कैसे अटैच करना है।
जिकर आप पॉकेट भी लगाना चाहते हैं तो वो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ आप देख सकते हो। पॉकेट लगाने के लिए हमने सबसे पहले 3 इंच का निशान लगाया है, 2 इंच हमारी जड़ी है लास्टिंग फोल्डिंग हो जाएगी और 1 इंच हमारा जो नीचे पॉकेट लगेगी। उसके बाद हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है। इसके बाद हमारी जितनी पॉकेट आएगी, पॉकेट हमने 6 इंच रखनी है अपने हाथ के हिसाब से, या 6.5 रखनी है उतनी रख सकते हैं, जितना बारी हाथ होगा उतनी खुली पॉकेट होगी। पहले 3, फिर 1.5 और उसके बाद हमारा 6 इंच का निशान है। ऐसे निशानों के हमने पीछे लगा देना है। दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। जेकर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।